आपने जो मुझे काम दिया था वो मैं पूरा नहीं कर सका। पृथ्वी लोक पे जब मैं सो रहा था तो खाना कष्ट का दानव मेरी पृथ्वी चुरा के ले गया। अब इसका परिणाम क्या होगा भगवान प्रभु आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम क्या चुरा के लेके आए हो? विष्णु विष्णु का ठीक हमने पृथ्वी पृथ्वी का चुराना एक हमारा बहाना था तुम्हें सामने लाने का विष्णु का ठीक हमें तो केवल आपका इंतजार था। इंतजार है इतना तुमने अपनी मौत का किया है और अभी इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है पूरी सृष्टि की। आप कृपया अपनी इस अमानत को संभालिए। कहिए महाराज बताइए हमारे मुल्तान नगरी का क्या समाचार है? महाराज आप अंग्रेज हैं फटाके फूट रहे हैं बहुत बहुत खूब। हमें आपसे यही उम्मीद थी इस खुशी में गाने बजाने का बंदोबस्त किया जाए। ओ राज गवयो 1947 का गीत हो तुमने मुझे बुलाया शेरवाली
राजा हूँ मैं कौम का इंद्र मेरा, दो फलों के बीच में मुझे नहीं आरा। सुन ले लाल दे, सुन ले लाल दे, अंध भी जाओ भक्ति भी जाओ सभा करो तैयार। महामंत्री राजदेव जी महाराज कहिए हमारा राज्य के क्या समाचार है। महाराज आप जैसा राजा हो हमारा सब खुश मंगल होता है। वाह भाई वाह, बहुत खुश हुए। किसी खुशी के अवसर पर नाच गाने का वर्णन किया जाए। अरे राज गाने वालों कोई ऐसा गीत सुनाओ जैसे महाराज इंद्र का दिल हो जाए मस्ताना। वाह भाई वाह, इधर रुकिया देर तो तुम्हारे बाप की दरबार है क्या? इधर मेरे तुम्हारा परिचय हो तुम बोलो। ऐसे खड़े होते हैं भाई से लाइन शुरू हो जाती है। तुम्हारे महाराज को कहो कि भूत आया है, भूत आया है। हरा कैसे का भूत आया ऐसे बोल खड़े होकर बात कर। क्या मैं बैठा हूँ क्या? खड़े होकर बात कर वरना ये तलवार चल जाएगी यार। अरे महाराज कोई अगड़ा भाई का ढूंढ आया है। अभी हमारे दरबार में पेश करो। पेश किया क्या किया? महाराज को नमस्कार हो, प्रणाम कियो। महाराज हमारे यहाँ कश्मीर ने कहा है कि हमारे बाप दादा जो छोटा रतन है वो हमें वापस लौटा दो वरना संग्राम के लिए तैयार हो दो। देवराज इंद्र सोते जागते उठते बैठते हमेशा संग्राम के लिए तैयार रहता है। जाओ तुम्हारे महाराज को बोलो कि देवराज इंद्र उसके पट्टी का गढ़ है। जाओ देने के लिए जो तुमने ये अपने सर पर 14 रतन सजा के रखे हैं वो हमारे चरणों में डाल दो वरना खामखा बेमोर माने जाओगे। हम नहीं चाहते कि खून भरा पाओ तुम्हारे ये 33 करोड़ देवताओं के सर धर्म से अलग हो। अगर अभी भी प्यार से समझते हो तो समझ जाओ 14 रतन मुल्तान नरेश के चरणों में डालो और माफी मांगो और इंद्रपुरी छोड़कर दफा हो जाओ। 14 रत्न कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। कोई खिलौना नहीं है कि बच्चे ने जिद किया और उसे पूरा किया जाए। 14 रत्न हम देवताओं के हैं, हमारे मस्तक किसी पे सवार रहते हैं। जाओ अपने गिरेबान में देखो तुम क्या हो और हम क्या हैं। पहला डबोस हम तुम्हें अभी भी प्यार से समझाते हैं, प्यार की भाषा मान लो वरना तुम खामखा मृत्यु पे मर जाओगे। अभी भी मैं तुमको समझाता हूँ, प्यार से 14 रतन दे दो और इंद्रपुरी छोड़कर भाग जाओ। तुम इंद्र को क्या समझते हो कि इंद्र कोई बकरी का बच्चा है कि तुम दौड़े और पकड़ लिए? इंद्र को जीतने के लिए लोहे के चपड़े जमाने पड़ते हैं और तुम्हारे दांत तो अभी दूध के गिरे हैं। मैं तुम्हें एक समझाता हूँ कि लौट जाओ अपनी नगरी में वरना इंद्र के हाथों एक बच्चे का वध हो जाएगा। देवराज इंद्र मुल्तान नरेश राणा कश्यप ने जो एक बार ठान ली वो ठान ली। हमें पता था तुम प्यार की भाषा नहीं समझते हो फिर भी हमने तुमको एक मौका दिया, अभी भी समझ जाओ वरना कल इतिहास के पन्नों पे ये न लिखा जाए कि मुल्तान नरेश के हाथों 23 करोड़ देवताओं का खून हो गया। इतिहास उठा के देख लो, देख लो कि इंद्र के हाथों तुम्हारे जैसे कितने देवताओं ने कितना वध किया है देवों का। मैं तुम्हें समझाता हूँ, लौट जा एक बार नहीं दो बार कहूंगा वरना तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि उसे समय की तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी।
इतिहास के पन्ने तुमने सही तरह से नहीं पढ़े हैं। उन पन्नों में यह भी लिखा है, जब जब असुरों ने इंद्रपुरी पर हमला किया है तब तक तुम इंद्रपुरी छोड़कर हमेशा भागे हो। शरीर में जोर नहीं, शोर मचाना छोड़ दे, हम हैं पहाड़, पहाड़ों से टकराना छोड़ दे। होठों पे लाली दिल में जुनून, होठों पे लाली दिल में जनून, मत कर देवराज हमें इतना मजबूर, वरना तेरी इंद्रपुरी हो जाएगी खून खून। आम खाने वाले, अरे नींबू का स्वाद क्या जाने, आम खाने वाले नींबू का स्वाद क्या जाने, सर पे चलने वाले तू युद्ध करना क्या जाने। आग लगी है दिल में, तेरी सारी इंद्रपुरी को जला दूंगा। आग लगी है दिल में, तेरी सारी इंद्रपुरी को जला दूंगा। अगर तुमने 14 रतन वापस न लौटाए तो मुल्तान नरेश लाशों के ढेर बिछेगा। सूरज की पहली किरण तेरे मौन का परवान लेके आई है, उठ गया है धनुष तेरे लिए कयामत लाई है। जाइए हमारे गुरुदेव को बुला के लाइए। आपके कहने के मुताबिक हमने चारों ओर से रसूल सुनने का कुछ मांगने को कहेंगे। मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, तुमने बच्चा समझ के, क्या तुम्हें पहले की बात पता नहीं है कि कैसे घूम घबरा के भागे थे वो इंद्र, तुम्हें प्यारा समझ के छोड़ दिया था। अभी भी मौका दे रहा हूं तुम्हें, अपनी हट छोड़ दो, वरना इंद्र कहा दो इस बार तुम मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे लगता है तुमने वो कहावत सही तरह से नहीं सुनी। जोर से दबक सके, ये मुल्तान नरेश वही शेर है। वो तो तुझे लड़ाई करके मुझे पता चल गया कि तुम कौन सा शेर हो। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, एक बार लौट जाओ यहाँ से, मैं किसी हालत में बख्शने वाला नहीं है। देर में मौका दोगे तुम तो हमेशा छल और कपट से हम असुरों से सब छीन के आए हो। याद है जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन में अमृत निकला था और वो तुम देवता छल से हम, इसीलिए तुम आज हमारे सामने खड़े हो। और तुम वो मुल्तान नरेश हमें कभी भी मत समझना, आज का मुल्तान नरेश तुम्हारे सामने अजय और अमर है, तीनों लोगों में से कोई नहीं हरा सकता है। अगर अपनी और इन देवताओं की जान प्यारी है तो 14 रतन दे दे और हमारी नदियों से दबा हो जा। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि वो अजय और अमर हमें किस लिए मिला है। अगर विधाता ने तुम्हारे नसीब में ये लिखा होता तो वो अमृत हमारे नसीब में नहीं होता। तो इसी बात से ये समझ जाओ तुम कि तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है, इसलिए लौट जाओ यहाँ से। कर मौत जो मरे काम करे चंडाल का देवराज, कर मौत जो मरे काम करे चंडाल का, अरे तुमसे क्या करे जो स्वयं भक्त है शुक्राचार्य का।
जिस दिन सूरज न निकले उस दिन रात न आई, अरे ऐसा कोई दिन न निकला जिसने इंद्र ने कोई लाश न बिछाई। आवाज नहीं देवराज, जान देने की मौतम रोज आती नहीं, जान देने की मौतम रोज आती नहीं, अरे वो जवानी क्या जो कभी खून से नहाती नहीं। गौर कर वरना पछताएगा तेरा ये सुंदर मुखड़ा मेरे ठोकर से उड़ जाएगा। हवाओं से जो टकर ले उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकर ले उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकर ले उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकर ले उसे मुल्तान नरेश झाड़ा कश्यप कहते हैं। आग बन के जला दूंगा, पानी बन के डुबा दूंगा, अगर मेरी बात न मानी तो यहाँ लाशों के ढेर बिछा दूंगा। शेर और शहरी तो बहुत सुनी देवराज इंद्र, शेर और शहरी तो बहुत सुनी मगर उसमें कुछ दम नहीं, अरे जरा पलट के देख ये मुल्तान नरेश किसी यमराज से कम नहीं। आग लगी आकाश में जंगल में रहना छोड़ दे, अगर अपनी हैसियत चाहता है तो इंद्र से टकराना छोड़ दे। लाली दिल में जनून, होटो पे लाली दिल में जनून, मत कर हमें इतना मजबूर देवराज वरना ये धरती हो जाएगी खून खून। मंत्री देखा 33 करोड़ देवताओं का देवराज इंद्र कैसे हमारे सामने जान बचाकर भाग गया। महाराज वो तो बकरी की तरह भागा। माँ मंत्री कहिए, महाराज जाइए हमारे गुरुदेव को लेके आइए। गुरुदेव मंत्री, ये है वो खुदा सैन जो तुम देवताओं देवताओं के खातर रोते हैं, ये इंद्र का बीज है। इतने सालों से खान तरस रहे थे ये खुशखबर सुनकर, आज तुमने ये सुनाकर हमें बहुत प्रसन्न कर दिया। दासी ये लो तुम्हारा इनाम। मंत्री आपको भी बधाई हो, आज इस दासी ने ये खबर सुनाकर मुल्तान नरेश के शरीर में फिर से प्राण भर दिए। जब से हमारा बड़ा भाई हरनाक है मर गया तब से हम उदास रहा करते थे, लेकिन आज इस खबर ने हमें बहुत प्रसन्न कर दिया। आज हम आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ।
प्रधानमंत्री, इस खबर को सुन के पूरी मल्तान नगरी दुल्हन की तरह सजा दो, गरीबों के बच्चों को मिठाई दो, कपड़े दो, जेवर दो, जिसको जो कुछ भी चाहिए वो मुल्तान नगरी के उनसे। जी लो महारानी, बधाई हो स्वामी, आपको भी बधाई हो। जब से हमने ये खबर सुनी है हम फूले नहीं समा रहे हैं। हमारी लालसा हो रही थी कि हम अपने पुत्र अपनी मुल्तान नगरी के युवराज को देखे और उन्हें अपनी गोद में खिलाए। महामंत्री देखिए, हमारा युवराज हमारी तरह सूरवीर और उन्हें कितनी लालसा दबक रही है। भाई यहाँ पे गए आज हम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आज अगर कुछ और मानते तो वो भी हमें मिल जाता। महारानी, तुमने आज हम पे सबसे बड़ा उपकार किया है। हमारी गोद में हमारा खून गुरुदेव को प्रणाम हो। गुरुदेव को प्रणाम हो। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए, नामकरण विधि कीजिए। हाँ तो राजन, पहले मुझे अपना बच्चा तो देखने दो। गुरुदेव, ये आपका छोटा शिष्य है, मुल्तान नरेश हरणा कश्यप का बेटा। महामंत्री जाइए, महल से मिठाइयां लेके आइए। हाँ तो राजन, ये जो बालक है वो बहुत शुभ घड़ी में पैदा हुआ है और इसकी राशि कन्या है। कन्या राशि के मुताबिक मैं इसका नाम पर से प्रहलाद रखता हूँ। गुरुदेव, आपको हमारे पुत्र के नामकरण विधि की बहुत सारी बधाई हो। आपको भी बधाई हो राजन।